यस स्टूडेंट्स, मैं स्वाति काबरा आज आपको बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनकी जनरल एंट्रीज सिखाने जा रही हूँ। बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन क्या क्या हो सकते हैं, हम आज बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर वन हमने हमारा बैंक में अकाउंट ओपन किया, नंबर टू कभी पैसे की नीड हुई तो हमने बैंक से विड्रॉ किया, नंबर थ्री हमने हमारे कस्टमर को चेक दिया या कोई एक्सपेंसेस है उसका पेमेंट करने के लिए चेक दिया, नंबर फोर किसी ने हमको चेक दिया पेमेंट में, तो ये सारे ट्रांजेक्शन्स हैं जिनको हमको हमारे बिजनेस में रिकॉर्ड करना होगा। अच्छा, रिकॉर्ड करने में क्या है कि आपको बैंक में जो भी पैसा आता है, ठीक है, बैंक आपको पता है पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता है किसी भी वजह से तो बैंक आपका रिसीवर हो गया तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, और अगर किसी भी वजह से आपके बैंक से पैसा जाता है, विड्रॉ होता है या आपके बैंक बैलेंस में पैसा माइनस होता है तो इस केस में आपका बैंक गिवर हो गया और इसीलिए हम इसमें बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्लियर, वापिस रिपीट कर रही हूं, अगर बैंक में पैसा आता है तो बैंक रिसीवर है, बैंक में पैसा डिपॉजिट होता है तो हम बैंक को डेबिट करेंगे, बैंक से पैसा जाता है, बैंक आपका गिवर हो गया तो हम बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब हम एक एक करके एंट्री सीखते हैं कि किस किस केस में क्या एंट्री होगी। केस नंबर वन, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, बैंक में कैश डिपॉजिट कराया, या फिर ये हो सकता है कि हमने हमारा अकाउंट ओपन करने के लिए कैश डिपॉजिट कराया, ये रूटीन में भी हम बिजनेस में छोटे मोटे लेन देन होते रहते हैं तो कैश डिपॉजिट कराया, इस केस में हम क्या एंट्री करेंगे। अच्छा, कैश हम बैंक में अकाउंट में डिपॉजिट कराते हैं तो दो अकाउंट है जिन पे इफेक्ट पड़ेगा, एक तो बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं तो नेचुरल है बैंक अकाउंट पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, एक आपका कैश जा रहा है बिजनेस में से तो एक कैश अकाउंट, दो अकाउंट है जिन पे इफेक्ट पड़ेगा, बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। इस केस में आपने जब डिपॉजिट कराया तो बैंक आपका रिसीवर हो गया, ठीक है, बैंक पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है और ये रिसीवर हो गया है तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और आपके बिजनेस में से कैश जा रहा है, कैश आपका रियल अकाउंट है, ठीक है, कैश आपका जा रहा है, रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो आपके बिजनेस में से कैश जा रहा है इसलिए हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इस केस में आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट होगा डेबिट और कैश अकाउंट होगा क्रेडिट, तो आपको इसको प्रॉपर वे में कैसे बोलोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि जो क्रेडिट होता है उसके आपके आगे टू लगाना होता है, ये क्रेडिट वर्ड आपको नहीं लिखना होता है, तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, कैश विड्रॉन, हमने बैंक से कैश विड्रॉ किया, इसका रिवर्स मैटर हो गया, जो फर्स्ट एंट्री है उसका रिवर्स मैटर हो गया, हमने बैंक से पैसा निकाला है ना, तो इसमें भी दो ही अकाउंट है जिसपे इफेक्ट पड़ेगा, नंबर वन कैश विड्रॉ किया तो हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है, एक तो हो गया कैश अकाउंट और बैंक से पैसा विड्रॉ हो रहा है, तो एक हो गया आपका कौन सा अकाउंट, बैंक अकाउंट, ठीक है, पूरा रिवर्स मैटर हो गया। अच्छा, कैश आपका रियल अकाउंट है और बैंक आपका पर्सनल अकाउंट है, ये नॉलेज हमने पहले ही ले लिया था। अब देखो, कैश आपके बिजनेस में विड्रॉ कर रहे हो तो कैश आ रहा है और रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश आ रहा है इसलिए कैश अकाउंट को तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अच्छा, बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक आपका गिवर हो गया और गिवर को क्योंकि बैंक पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, इस केस में बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक गिवर हो गया है इसलिए हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इस केस में जब हम कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से तो हमारी एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, यानी टू बैंक अकाउंट, क्या जनरल एंट्री होगी प्रॉपरली, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट आपका ट्रांजेक्शन है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, थर्ड ट्रांजेक्शन कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, हमने बैंक से पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ किया, बिजनेस के लिए नहीं किया, ठीक है। अच्छा, आपको ये भी बताया था जब हमने बेसिक समझा था तो हमने पढ़ा था कि पर्सनल यूज के लिए चाहे कैश लेके जाओ, चाहे बैंक से पैसा विड्रॉ करो, चाहे कोई आइटम भी लेके जाओ, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। तो यहाँ जो पर्सनल यूज के लिए पैसा निकल रहा है बैंक से विड्रॉ हो रहा है तो क्योंकि ये पर्सनल यूज है ये ड्रॉइंग्स अकाउंट में शो होगा, तो फर्स्ट अकाउंट तो हो गया आपका ड्रॉइंग्स अकाउंट। सेकंड कौन सा अकाउंट है जिसपे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि बैंक से पैसा विड्रॉ हो रहा है तो सेकंड अकाउंट कौन सा होगा आपका, बैंक अकाउंट। ये दो अकाउंट है जिनपे इफेक्ट पड़ेगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट और बैंक अकाउंट। अच्छा, ड्रॉइंग्स कौन सा अकाउंट है, क्योंकि ये ओनर को रिप्रेजेंट करता है,
दैट इज पर्सनल अकाउंट, और बैंक भी आपका कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों ही पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहाँ ड्रॉइंग्स ओनर को रिप्रेजेंट करता है, योर ओनर क्योंकि लेके जा रहा है तो वो रिसीवर हो गया, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट में ओनर रिसीवर है इसलिए हम इसको क्या करेंगे, डेबिट। और बैंक से पैसा जा रहा है तो बैंक गिवर हो गया इसीलिए बैंक को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। यहाँ ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। क्या है, जर्नल एंट्री बन गई प्रॉपर फॉर्मेट में, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। पेमेंट बाय चेक टू क्रेडिटर, कोई क्रेडिटर है, क्रेडिटर कौन होता है वो तो आपको आइडिया है ही ना, जिसको हमने जिससे हमने क्रेडिट परचेज की है तो उसको पेमेंट तो करना पड़ेगा। तो हमने क्रेडिटर को पेमेंट किया चेक से, चेक दिया और पेमेंट किया, अब उसकी हमको एंट्री करनी है। अच्छा, इसका कौन से दो अकाउंट है जिस पे इफेक्ट पड़ेगा, जिस क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं एक तो उसका नाम तो आएगा ही आएगा, जैसे मान लो क्रेडिटर आपका राम है तो एक तो उसका नाम तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और दूसरा अकाउंट कौन सा जिस पे इफेक्ट पड़ेगा, हमने हमारे क्रेडिटर राम को चेक से पेमेंट किया, चेक दिया उसको, तो एक तो क्रेडिटर का नेम आ गया, एक अकाउंट तो हो गया ये। सेकेंड अकाउंट कौन सा, क्योंकि हमने चेक दिया है तो बैंक से पैसा जाएगा, चेक दिया ना तो हमारे अकाउंट से पैसा जाएगा, तो दूसरा अकाउंट कौन सा हो गया आपका, बैंक अकाउंट। ये दो अकाउंट है जिस पर इफेक्ट पड़ेगा, एक तो क्रेडिटर्स अकाउंट और एक बैंक अकाउंट। अब किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे, क्रेडिटर इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, तो ये तो पर्सनल अकाउंट हो गया, और बैंक भी आपको पता है कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। रूल अप्लाई करो पर्सनल अकाउंट का, यहाँ हम क्रेडिटर को चेक दे रहे हैं तो ये तो रिसीवर हो गया, और रिसीवर को हमको क्या करना है, डेबिट करना है। और चेक में क्या पकड़ा रहे हैं, चेक दे रहे हैं तो बैंक से पैसा जा रहा है, ठीक है, तो बैंक कौन हो गया आपका, गिवर हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्रेडिटर को हम डेबिट करेंगे क्योंकि वो रिसीवर है, और बैंक से पैसा जा रहा है क्योंकि चेक दिया तो पैसा जाएगा ना, तो बैंक आपका गिवर हो गया इसलिए हम क्रेडिट करेंगे। तो आपकी क्या जर्नल एंट्री प्रॉपरली हो गई है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, लिखना आपको प्रॉपर फॉर्मेट में है, फॉर्मेट मैंने आपको पिछले वीडियोस में पूरा समझाया है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, आपको अगर जर्नल प्रॉपर समझनी तो स्टेप बाय स्टेप आप मेरे वीडियोज देखेंगे। फर्स्ट वीडियो बेसिक से स्टार्ट किया था हमने, फिर उसके बाद हमने अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ी थी, उसके बाद हमने जर्नल का रूल पढ़े थे, डेबिट और क्रेडिट के रूल क्लियर किए थे, उसके बाद हमने जर्नल एंट्री स्टार्ट की। वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तो आपको ये बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। और ये जो एंट्री हम समझ रहे हैं ये केवल मैंने जर्नल की एंट्री समझाई है, जर्नल का एक पूरा फॉर्मेट होता है वो आपको ऑलरेडी क्लियर है, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ये जो मैं एंट्री समझा रही हूँ क्योंकि पर्टिकुलर वाला कॉलम सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें, तो ये एंट्री मैं वो बता रही हूँ जो पर्टिकुलर वाले कॉलम में हम मेंशन करते हैं। तो यहाँ ये डेबिट होगा, और ये भी बताया था कि जो अकाउंट क्रेडिट होता है उसके सामने ऐसे क्रेडिट वर्ड नहीं लिखते हैं, और उसको उसके आगे हम प्रीफिक्स लगा देते हैं टू, तो ऐसे करके आपकी एंट्री बन जाएगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, वो क्रेडिटर राम हो, मोहन हो, जो भी हो, ठीक है, वो अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू बैंक अकाउंट। ये हो गई आपके क्रेडिटर को पेमेंट करने की एंट्री। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका है पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस बाय चेक। हमने कोई एक्सपेंसेस का पेमेंट करना था, जैसे हमारी बिल्डिंग है उसका रेंट पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है वो पे करने हैं, किसी को इंटरेस्ट देना है, तो वो हमने कैश नहीं देखे, क्या पकड़ा दिया उनको, चेक पकड़ा दिया, ठीक है। मान लो रेंट का पेमेंट किया और बदले में उनको क्या दे दिया, कैश नहीं देके क्या दिया हमने, चेक दिया है। इस मैटर में दो कौन से अकाउंट इस पे इफेक्ट पड़ेगा, जैसे रेंट आपने चेक से रेंट पे किया तो एक तो रेंट अकाउंट आएगा, दूसरा आपने क्योंकि चेक से पेमेंट किया है तो आपके बैंक से पैसा कटेगा, ठीक है ना, तो सेकंड अकाउंट कौन सा होगा, बैंक अकाउंट, ठीक है। अब ये दो अकाउंट पे इफेक्ट, अब किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, मेन क्वेश्चन ये होता है। रेंट आपका एक्सपेंडिचर है, अच्छा कौन सा अकाउंट है रेंट आपको पता है, दैट इज द नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है एक्सपेंडिचर को क्या करते हैं हम, डेबिट, तो इस हिसाब से आपका रेंट अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट। नेक्स्ट, आपने चेक दिया है रेंट के पेमेंट में तो बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक आपका गिवर हो गया, बैंक क्योंकि पर्सनल अकाउंट होता है,
यहाँ बैंक आपका गिवर हो गया, तो हम बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। क्या एंट्री बन गई आपकी, रेंट अकाउंट डेबिट, और आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, यानी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ऐसे कोई भी एक्सपेंडिचर हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पे किए तो रेंट की जगह आप इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस लिख देंगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो आपका आता है, बैंक चार्जेस चार्ज बाई बैंक। अच्छा, बैंक आपको कितनी बार बहुत सारी फैसिलिटीज देता है, तो उस फैसिलिटीज के लिए वो अपने से चार्जेस लेता है। अब वो चार्जेस कैसे लेता है, बैंक आपको कॉल करके तो फोन करके कहेगा तो नहीं कि भाई हमारे 60 रुपीज चार्ज बने हैं आप दीजिए, ऐसा तो नहीं होगा। तो बैंक क्या करता है, हमारे अकाउंट जो हमने मेंटेन कर रखा है हमारे बिजनेस का बैंक में अकाउंट, तो बैंक हमारे अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर देता है। बैंक चार्जेस क्यों डिडक्ट होते हैं, बैंक हमको बहुत सारी फैसिलिटीज देता है, इसके लिए हमसे वो चार्जेस लेता है और वो चार्जेस हमारे अकाउंट से डिडक्ट हो जाते हैं। तो ये बैंक चार्जेस हमारे लिए तो एक्सपेंडिचर हो गए, और क्योंकि ये हमारे लिए एक्सपेंडिचर हैं तो हम कौन सा अकाउंट मानेंगे इसको, नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट में हम एक्सपेंडिचर को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इस केस में जो बैंक चार्जेस बैंक ने हमसे चार्ज किए हैं, ये बैंक चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंडिचर है और नॉमिनल अकाउंट है, इस वजह से हम इन एक्सपेंडिचर को डेबिट करेंगे, और ये जो अमाउंट है बैंक चार्जेस की, ये हमारे बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो रही है। यानी हमारा इस केस में बैंक अकाउंट से हमारा पैसा कट रहा है, तो बैंक अकाउंट आपका गिवर हो गया, क्योंकि बैंक अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट है और ये गिवर हो गया और पैसा जा रहा है, इसलिए इसको क्या कर देंगे हम, क्रेडिट। तो इस केस में आपकी क्या एंट्री बन जाएगी, बैंक अकाउंट को तो होगा डेबिट, बैंक चार्जेज अकाउंट होगा डेबिट और बैंक अकाउंट होगा क्रेडिट। क्या एंट्री बनी, बैंक चार्जेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। या नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या होगा बैंक से वो समझते हैं। चेक रिसीव्ड फ्रॉम ए डेटर एंड डिपोजिटेड इन टू ए बैंक द सेम डे। क्या मैटर है, कोई डेटर है, डेटर कौन होता है आपको पता है, जिसको हमने क्रेडिट सेल की थी या जिससे हम पैसा मांगते हैं, तो उसने हमको चेक दिया है ना, डेटर से हमने चेक रिसीव किया, हमसे पैसा मांगते थे, तो उससे रिसीव करके हमने उसको हैंड टू हैंड उसी दिन हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। अब इस मैटर की क्या एंट्री बनेगी, अच्छा नंबर वन, जिसने हमको चेक दिया है, मान लो राहुल होगा ना डेटर, तो उससे हमको चेक मिला तो उसका नाम तो आना जरूरी है ना, तो एक तो कौन सा अकाउंट आएगा, डेटर्स अकाउंट, जिसमें डेटर का नेम कोई भी हो सकता है, राहुल मोहन जो भी है, तो एक तो डेटर है जिससे चेक मिला है उसका नाम तो आएगा ही। अच्छा, वो चेक जो आता है, एक्चुअली प्रोसेस क्या होती है, देखना, राहुल का चेक उसने साइन करके हमको दे दिया, हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, बैंक में प्रोसेस क्या होती है, बैंक क्या करेगा, उस चेक को लेके राहुल के अकाउंट से पैसे डिडक्ट करके और हमारे अकाउंट में वो पैसे प्लस कर देंगे। तो इससे हमारे अकाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ा है, हमारे अकाउंट में पैसा आ रहा है, हमारे बैंक अकाउंट में पैसा इंक्रीज हो रहा है, यानी हमारा बैंक अकाउंट रिसीवर हो रहा है इस मैटर में। ठीक है, दो अकाउंट है जिस पे इफेक्ट पड़ेंगे, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, नंबर वन जो पैसे दे रहा है, जो चेक दे रहा है उस डेटर का नेम, और नंबर टू हमारे बैंक में पैसे डिपॉजिट हो रहे हैं, तो बैंक अकाउंट में, बैंक में पैसा आ रहा है, तो ये बैंक अकाउंट। अब क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा ये और क्लियर कर लें। डेटर कौन सा अकाउंट है, दैट इज द पर्सनल अकाउंट। बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट है, वो भी आपका पर्सनल अकाउंट है। रूल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब आप आइडेंटिफाई कीजिए हु इज द रिसीवर एंड हु इज द गिवर हियर। नंबर वन, डेटर जो चेक दे रहा है ही इज द गिवर, हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, बैंक में पैसा डिपॉजिट हो रहा है, हमारे अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो ये आपका रिसीवर हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। क्या जर्नल एंट्री बन गई, रिपीट कीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, डेटर में आपका नेम हो सकता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल्स अकाउंट, जो भी आपका डेटर का नेम हो। ठीक, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ये जो हमने एंट्री की है, ये हमने डेटर से चेक आया उसकी एंट्री की और हमने उसी को सेम डे चेक को बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो उस मैटर में आपकी ये एंट्री बनी है। अब थोड़ा सा ट्रांजेक्शन कुछ डिफरेंट है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो हम समझने जा रहे हैं, चेक रिसीव फ्रॉम ए डेटर एंड नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे। हमको डेटर से चेक मिला लेकिन हमने उसको हैंड टू हैंड बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया, यानी वो चेक अभी भी हमारे पास ही पड़ा हुआ है, बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ। अच्छा, बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ तो बैंक अकाउंट
से रिलेटेड तो कोई एंट्री नहीं होगी, बैंक अकाउंट में हम कैसे लिखेंगे जब तक बैंक के पास हमारा चेक गया ही नहीं है। तो अब कौन से दो अकाउंट है जिस पर इफेक्ट पड़ेगा? नंबर वन, चेक किसने दिया है? डेटर ने, उसका नेम तो आएगा ही आएगा, एक तो आपका डेटर्स अकाउंट आएगा। दूसरा, हमने इस चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया है तो बैंक अकाउंट नहीं आएगा। तो फिर अदर अकाउंट कौन सा होगा? ये चेक जो हमारे पास आया है वो अभी हमारे हैंड में ही है, तो एक दूसरा अकाउंट ध्यान रखना, एक अकाउंट होगा चेक इन हैंड। ये चेक जो हमारे हाथ में है अभी, तो दूसरा अकाउंट कौन सा अकाउंट होगा? चेक इन हैंड अकाउंट। इस मैटर में दो अकाउंट पर इफेक्ट पड़ रहा है, नंबर वन डेटर्स अकाउंट, नंबर टू चेक इन हैंड अकाउंट। अब क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा? चेक इन हैंड तो ये तो रियल अकाउंट हो गया, गुड हो गई, एसेट हो गई हमारे लिए, ठीक है। अब नंबर वन डेटर्स, जिसने हमको चेक दिया है, पर्सनल अकाउंट है और ये यहाँ गिवर है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ही इज द गिवर, उसने हमको चेक दिया है और गिवर को हम क्रेडिट करते हैं, पर्सनल अकाउंट का रूल है। सेकंड, ये चेक इन हैंड ये हमारे पास आया है, एक्चुअल में ये एसेट है और ऑल एसेट साथ देखा जाए तो ये रियल अकाउंट है। चेक इन हैंड कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है, क्योंकि ऑल एसेट्स आर इंक्लूडेड इन रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में चेक इन हैंड हमारे पास आया है और रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, इसीलिए इस बिहाफ पे हम इसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्या हो गया आपका एंट्री? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट होगा और डेटर अकाउंट क्रेडिट होगा। क्या जर्नल एंट्री बन गई इस मैटर से आपकी? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ये आपकी जर्नल एंट्री होगी। किस केस में? हमको डेटर ने चेक दिया, वो चेक अभी हमारे पास ही पड़ा है। अच्छा, क्या हम उस चेक को अपने पास ही रखेंगे? नो, ये जो चेक इन हैंड हमारे पास आया है जिसको हमने अभी डेबिट किया, हो सकता है आफ्टर 2 days, आफ्टर 3 days, आफ्टर सम टाइम वी विल डिपॉजिट दिस चेक इन टू द बैंक, तो उसकी भी तो एंट्री करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट एंट्री जो हम समझने जा रहे हैं, ये जो चेक इन हैंड हमारे पास पड़ा हुआ है, हम उसको बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं। नेक्स्ट एंट्री हो गई अबाउ चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक, ये जो चेक हमारे पास आया है डेटर से, अब हम इसको कहाँ डिपॉजिट कराने जा रहे हैं? बैंक में। अब क्या एंट्री होगी? अच्छा, बैंक में चेक डिपॉजिट होने जा रहा है, अब तो बैंक में पैसा आएगा आपके, अब तो कौन से अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा? आपके बैंक अकाउंट में, क्योंकि बैंक में आपका पैसा डिपॉजिट होने जा रहा है भाई, ठीक है। तो दूसरा अकाउंट क्या होगा? ये चेक इन हैंड जो आपके पास आया था वो अब आप उसको बैंक में डिपॉजिट करा रहे हो, तो वो जा रहा है। तो सेकंड अकाउंट इज योर चेक इन हैंड अकाउंट। कौन से दो अकाउंट इस पे इफेक्ट पड़ेगा? नंबर वन, चेक जो आपका बैंक में जा रहा है तो बैंक में आपके पैसे प्लस हो जाएंगे, डेटर के अकाउंट से आपके अकाउंट में आ जाएंगे इस वजह से, तो एक तो बैंक अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा, जो चेक इन हैंड आपके पास आया था तब आपने उसको डेबिट किया था, अब ये चेक इन हैंड आप बैंक में डिपॉजिट करा रहे हो तो ये चेक इन हैंड जा रहा है, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, नेचुरल है। चलो एंट्री में समझ ले किसको डेबिट और किसको क्रेडिट करना है, अब तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। बैंक रिसीवर है, बैंक में पैसा आ रहा है, हम बैंक अकाउंट को तो करेंगे डेबिट। सेकंड, चेक इन हैंड जब आया था तब हमने उसको डेबिट किया था, ये चेक इन हैंड अब आप बैंक में डिपॉजिट करा रहे हो तो आप उसको क्या करोगे? क्रेडिट, मीन्स यहाँ 2 लिख दोगे, ये आपका क्रेडिट हो गया। क्या है जर्नल एंट्री बन के डिपॉजिट कराने की? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। इस केस में हमेशा दो एंट्री बनती है, फर्स्ट चेक आया जिस दिन, जिस डेट को आया उस डेट को ये एंट्री होगी, और जिस डेट को आप बैंक में इसको डिपॉजिट कराओगे उस डेट को आप ये एंट्री करोगे। तो इससे फाइनल इफेक्ट वैसे भी क्या होगा देखना, आपने जब चेक आया था चेक इन हैंड को डेबिट किया था, जब चेक गया है चेक इन हैंड क्रेडिट हो गया, फाइनली आपका जो इफेक्ट रहेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, फाइनली आपका इफेक्ट ये रहेगा कि बैंक में पैसा आ गया है, वो रिसीवर है तो बैंक अकाउंट डेबिट रहेगा, और डेटर्स ने पैसा दिया है, चेक दिया है, वो गिवर है, इसलिए क्रेडिट रहेगा। अब थोड़ा सा हम ट्विस्ट लाते हैं स्टोरी में, होता क्या है, वो चेक जो हमने, हमें डेटर ने दिया था, हमने बैंक में डिपॉजिट भी करा दिया, फाइनली हमने देखा इसका इफेक्ट ये हुआ है, हमारा बैंक क्योंकि रिसीवर हो गया, हमने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया है, और डेटर गिवर था तो हमने डेटर को क्या कर दिया है? क्रेडिट कर दिया है। लेकिन मैटर क्या हो गया, जो चेक हमने डिपॉजिट कराया था बैंक में वो क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। आपको आइडिया है डिसऑनर क्या होता है? जो हम, जैसे राहुल ने हमको चेक दिया था,
हमने वो चेक बैंक में डिपॉजिट करा दिया, बैंक का क्या रहती है पूरी प्रोसेस, बैंक क्या करता है, वो चेक जो राहुल का साइन किया हुआ है राहुल के अकाउंट में पहले जाएंगे, वहां देखेंगे राहुल के अकाउंट में जो पैसे हैं उसके अकाउंट में से, जैसे मान लो 50,000 रुपीस का चेक है तो राहुल के अकाउंट में से 50,000 रुपीस माइनस करके डिडक्ट करके हमारे अकाउंट में प्लस कर देता है, ये बैंक की प्रोसेस रहती है। बट हुआ क्या, राहुल के अकाउंट में 50,000 है ही नहीं, ठीक है, बैंक के पास वो चेक आ गया, हमने तो क्या एंट्री कर दी, चेक डिपॉजिट कराते ही हमारा बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया फाइनली, और हमको उसने डेटर ने दिया था राहुल ने, उसका नाम हमने क्रेडिट कर दिया, पर प्रॉब्लम ये हो गई कि राहुल के अकाउंट में 50,000 है ही नहीं। हमने एंट्री बना दी डिपॉजिट कराते, फोन आया बैंक से कि आपने जो चेक दिया था दैट इज डिसऑनर्ड, राहुल के अकाउंट में इतना पैसा नहीं है। तो क्या अगर राहुल के अकाउंट में पैसा नहीं है तो वो माइनस कहाँ से करेंगे बैंक, और अगर बैंक उसके अकाउंट से माइनस नहीं कर सकते तो हमारे अकाउंट में वो प्लस भी नहीं करेंगे। तो हमने जो एंट्री की वो वेस्ट हो गई भाई, हमारा जो चेक है डिसऑनर हो गया है। तो जो हमने एंट्री की थी अब उसका रिवर्स मैटर डिपॉजिट, हमने क्या सोचा था, बैंक रिसीवर हो गया, चेक के पैसे बैंक में आ गए तो बैंक रिसीवर हो गया, जबकि बैंक डेबिट रिसीवर है ही नहीं इस मैटर में। तो हमने जिस बैंक अकाउंट को इस मैटर में डेबिट किया था, डिसऑनर की एंट्री अच्छे से समझना, जिस बैंक अकाउंट को हमने डिपॉजिट कराते टाइम डेबिट किया था उस बैंक अकाउंट को रिवर्स करना पड़ेगा, वापस क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने सोचा था बैंक रिसीवर है जबकि हमारे बैंक में प्लस हुआ ही नहीं 50,000, तो हमने बैंक को वापस क्या कर दिया, क्रेडिट, रिवर्स इफेक्ट शो करना पड़ेगा। सेकंड थिंग, जिस डेटर ने हमको चेक दिया था हमने उसको गिवर माना था, और गिवर मान के हमने उसको क्या कर दिया था, क्रेडिट कर दिया था कि हमने उसको चेक, उसने हमको चेक दिया है, लेकिन अब वो चेक अब कागज का टुकड़ा है, उस चेक की कोई वैल्यू नहीं है। तो हमने इसको गिवर मान के क्रेडिट कर दिया, लेकिन एक्चुअली ही इज नॉट द गिवर ऑफ दैट अमाउंट, इसलिए जिसको हमने क्रेडिट किया हम उसका रिवर्स इफेक्ट शो करने के लिए डेटर को वापस क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो चेक डिसऑनर की एंट्री, जिस बंदे का चेक डिसऑनर हुआ है उसका अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, राहुल अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट। क्यों हुआ लॉजिकली समझना, आपने जब चेक डिपॉजिट करवाया था बैंक अकाउंट डेबिट किया था, वो मैटर कैंसिल हो गया इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया, फर्स्ट। सेकंड, जब डेटर ने आपको चेक दिया था हमने उसको गिवर मान के क्रेडिट किया था, बट वो चेक का कोई मतलब नहीं रहा, तो हमने जब इसको पहले क्रेडिट किया था हम उसको रिवर्स इफेक्ट करके उसको डेबिट कर देंगे, एंड दैट विल बी द एंट्री ऑफ चेक डिसऑनर, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आपका चेक डिसऑनर होने की एंट्री। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, इंटरेस्ट चार्ज बाई द बैंक। अच्छा, बैंक क्या कर रहा है, बैंक कभी कभी क्या होता है हमको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होता है कि हमारी जैसे अमाउंट डिपॉजिटेड मान लो कभी कभी, और वो भी रेपुटेटेड पर्सन को मिलती है फैसिलिटी। क्या होती है फैसिलिटी, जैसे हमारे बैंक में 20,000 रुपीस डिपॉजिटेड है लेकिन हमने चेक जो इशू कर दिया हमारे कस्टमर को 70,000 का, हमारे अकाउंट में 20,000 ही है और हमने चेक इशू कर दिया 70,000 का और हमारा कस्टमर लेके चला गया बैंक में। अब बैंक वाले क्या देखेंगे कि मेरे नाम का 70,000 का चेक कटा हुआ है और मेरे अकाउंट में केवल 20,000 है, बैंक कैसे दे दे। तो अगर आई एम द रेपुटेटेड पर्सन, बैंक मेरे को एक फैसिलिटी देता है कि ठीक है आपके 20 ही डिपॉजिटेड, हम आपका चेक डिसऑनर नहीं करेंगे, दैट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। चेक का 70,000 का बैंक पेमेंट कर देगा। अब क्या सीन बना, मेरे डिपॉजिटेड 20 है और बैंक ने मेरे बिहाफ पे पेमेंट कर दिया 70,000 के चेक का, तो जो 50,000 रुपीज जो कम पड़ रहे हैं वो मेरा माइनस हो गया एक्चुअल में बैलेंस, वो कहलाता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। बैंक ने मुझे मेरे डिपॉजिटेड अमाउंट से भी ज्यादा पेमेंट की फैसिलिटी दे दी मेरे को, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहलाती है। अच्छा, बैंक ये भी फ्री में नहीं देता है, ये फैसिलिटी जो बैंक ने दी है उसके लिए आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक है। तो जो 50,000 रुपीज मेरे माइनस हो गए, बैंक ने मेरे बिहाफ पे पेमेंट कर दिया है, बैंक मुझसे वो 50,000 तो लेगा ही सही और इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। अब उसकी क्या एंट्री बनती है, बैंक ने मेरे से इंटरेस्ट चार्ज किया। अच्छा, इंटरेस्ट चार्ज करा, मान लो इस 50,000 में अभी फिलहाल पर मंथ जो चार्ज करता है 500 का इंटरेस्ट बना, तो बैंक मुझे कॉल करके 500 रुपीज कैश नहीं मांगेगा, वो कहां से डिडक्ट करेगा, मेरे अकाउंट में से, ठीक है। अब सीन देखना, कौन से दो अकाउंट है जिसपे इफेक्ट पड़ेगा, बैंक ने मुझसे इंटरेस्ट चार्ज किया है ना, इंटरेस्ट चार्ज किया दैट इज द एक्सपेंडिचर फॉर मी, तो एक अकाउंट तो हो गया इंटरेस्ट अकाउंट,
ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट चार्ज किया तो पैसे कहाँ से काटे? मेरे बैंक अकाउंट से डिडक्ट किए। तो दूसरा अकाउंट कौन सा अकाउंट है जिसपे इफेक्ट पड़ेगा? बैंक अकाउंट पे। दो अकाउंट है जिसपे इफेक्ट पड़ेगा, इंटरेस्ट क्योंकि मेरे लिए एक्सपेंडिचर है, एक तो इंटरेस्ट अकाउंट मैं एंट्री कर रही हूँ और मेरे बैंक अकाउंट से पैसे डिडक्ट होंगे, तो दूसरा होगा बैंक अकाउंट। अब किसको डेबिट करना, किसको क्रेडिट करना? इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है, ये नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंडिचर को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। बैंक अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट है और आपके बैंक अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो रहे हैं, तो बैंक आपका गिवर हो गया और गिवर को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। इस सीन में, इस मैटर में आपकी एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नाउ नेक्स्ट एंट्री, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। अब हमारे ट्रांजेक्शन्स होते रहते हैं तो हमारे पैसे डिपॉजिट रहते हैं कितनी बार वहाँ पे, जैसे वहाँ पे कभी 40,000 डिपॉजिटेड है, कुछ विड्रॉ करते हैं तो इतने जो पैसा डिपॉजिट रहते थे, एक नॉमिनल अमाउंट से बैंक आपको इंटरेस्ट भी देता है। अब इस सीन में हमारे पैसे वहाँ एक्सेस में डिपॉजिटेड है और बैंक हमको इंटरेस्ट दे रहा है, हमको हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है ना कि बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंक हमको इंटरेस्ट दे रहा है, उल्टा सीन हो रहा है यहाँ पे, ध्यान रखना ना, हमको इंटरेस्ट मिल रहा है। यहाँ इंटरेस्ट हमारी इनकम है भाई, हमारे बिजनेस के लिए, हमारी फर्म के लिए ये इंटरेस्ट हमारी इनकम है क्योंकि बैंक हमको दे रहा है हमारे डिपॉजिट्स पे। तो एक अकाउंट तो कौन सा अकाउंट हो गया हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, एक तो हो गया इंटरेस्ट अकाउंट। कौन दे रहा है? बैंक। अच्छा, बैंक इंटरेस्ट दे रहा है तो वही सेम सीन, वो कॉल करके हमको कैश नहीं पकड़ाएगा, ये लो आपका 700 रुपीज इंटरेस्ट बनता है, ये ले लीजिए, वो कहाँ डाल देंगे? हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे। बैंक अपनी तरफ से 700 रुपीज हमारे अकाउंट में प्लस कर देंगे। तो दूसरा अकाउंट कौन सा जिस पे इफेक्ट पड़ रहा है? बैंक अकाउंट। हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, ठीक है। दो अकाउंट हो गए, वो एक रूल, ये है आपका पर्सनल अकाउंट, इंटरेस्ट आपकी इनकम है, दैट इज द नॉमिनल अकाउंट। बैंक पर्सनल अकाउंट है, बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक हमारे अकाउंट में पैसा आ रहा है, बैंक हमारे अकाउंट में पैसा प्लस कर रहा है, यहाँ बैंक आपका रिसीवर हो गया, सो इट विल बी डेबिटेड। और इंटरेस्ट हमको मिल रहा है, हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट हमारी इनकम है और इनकम नॉमिनल अकाउंट है जिसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट। क्या एंट्री बन गई, समझ में आ गई? आपकी एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट वर्ड नहीं लिखना है आपको, मैंने बार बार क्लियर किया है आपको, यहाँ पर फिक्स लगाना है टू, आपकी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका होगा, बैंक मेक्स पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। हमारी फर्म जो हमारा बिजनेस है उसके बिहाफ पे बैंक ने एक्सपेंडिचर पेमेंट की है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने इंश्योरेंस करवा रखा है, इंश्योरेंस करवा रखा है तो होता क्या है कि हमारे अकाउंट में से डायरेक्ट पैसे कट जाते हैं, हमारे बैंक अकाउंट से, तो बैंक हमारे बिहाफ पे, हमारा कोई एक्सपेंडिचर है उसका पेमेंट कौन कर रहा है? बैंक। बैंक मेड द पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ अवर फर्म, हमारी फर्म के बिहाफ पे बैंक पेमेंट कर रहा है। अब वो एक्सपेंडिचर कुछ भी हो सकता है, जैसे LIC प्रीमियम पे की, हमारा कोई रेंट पे किया, जो वॉट एवर जो भी मैटर हुआ, चलो LIC प्रीमियम जो भी एक्सपेंडिचर है जो पे कर रहे हैं, तो वो तो हमारे लिए एक्सपेंडिचर हो गया, LIC प्रीमियम या जो भी एक्सपेंडिचर है, एक तो ये अकाउंट होगा जिस पे इफेक्ट पड़ेगा, और क्योंकि ये एक्सपेंडिचर है तो ये नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंडिचर को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। फर्स्ट अकाउंट आपका, वो जो एक्सपेंसेस का बैंक पेमेंट कर रहा है वो एक्सपेंसेस आपके डेबिट होंगे, चाहे LIC प्रीमियम हो, चाहे रेंट हो, वॉट एवर द एक्सपेंडिचर, ठीक है, वो हमारे लिए या बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर है तो हम उसको डेबिट करेंगे। अब दूसरा अकाउंट कौन सा है जिस पे इस मैटर का इफेक्ट पड़ने वाला है? बैंक हमारे बिहाफ पे पेमेंट कर रहा है, कहाँ से निकाल के? हमारे अकाउंट में से। तो हमारे अकाउंट से पैसे डिडक्ट करके बैंक पेमेंट कर रहा है, तो हमारे बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है भाई। तो दूसरा अकाउंट कौन सा हो गया? बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है पेमेंट के लिए, तो ये गिवर हो गया, दैट इज द पर्सनल अकाउंट, और उसमें ये गिवर है तो हम इसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। दो अकाउंट, LIC प्रीमियम, ये वॉट एवर द एक्सपेंडिचर, वो होगा डेबिट और बैंक अकाउंट होगा क्रेडिट। एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब हम इसका रिवर्स मैटर लेते हैं, अगला ट्रांजेक्शन, ड्यूज कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। जैसे फर्म हमारे एक्सपेंडिचर हमारे जो बिहाफ पे पेमेंट करती है उसका रिवर्स, हमारी कोई इनकम है उसका कलेक्शन बैंक कर रहा है। जैसे मैंने एक फ्लैट ले रखा है, उस फ्लैट का रेंट आता है, तो मैंने जिससे भी
रेंट आना होता है, मैंने उसको कह रखा है आप डायरेक्ट मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करा दीजिए। तो कोई ऐसी इनकम जो मेरी है और उसका कलेक्शन कौन कर रहा है? बैंक। कोई इंटरेस्ट आना है तो इंटरेस्ट का कलेक्शन बैंक कर रहा है। तो क्या मैटर रहेगा इसकी, क्या एंट्री होगी, कौन से दो अकाउंट होंगे जिन पर इफेक्ट पड़ेगा? अच्छा, मेरा जैसे मेरी इंटरेस्ट है या मेरी इनकम है उसका कलेक्शन बैंक कर रहा है, तो एक अकाउंट तो हो गया इनकम, जैसे वो इंटरेस्ट हो गया या रेंट हो गया जो भी है, ये इनकम, इनकम तो मेरी है, कलेक्शन कर रहा है बैंक, मेरी मीन्स फर्म की इनकम। तो फर्म की इनकम एक तो ये अकाउंट आएगा, दूसरा अकाउंट क्या है, वो पैसे लेके बैंक मेरे ही अकाउंट में, मेरे बैंक अकाउंट में प्लस कर देगा। तो पैसा कहाँ आ रहा है? मेरे बैंक अकाउंट में। तो दूसरा अकाउंट कौन सा हो गया? बैंक अकाउंट। दो अकाउंट है जिस पे इफेक्ट पड़ेगा, नंबर वन बैंक अकाउंट, नंबर टू जो इनकम है वो अकाउंट। बैंक मेरा रिसीवर है क्योंकि बैंक में पैसा आ रहा है, रिसीवर है इसलिए हम बैंक अकाउंट को तो क्या कर देंगे? डेबिट। और ये नॉमिनल अकाउंट है इनकम, और नॉमिनल अकाउंट में इनकम को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। क्या एंट्री बन गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम बोलो, टू इंटरेस्ट बोलो, टू रेंट बोलो, जो भी आपकी इनकम है उसका नेम लिखना है। ठीक, ये हो गई इनकम कलेक्टेड बाय बैंक। अब बैंकिंग ट्रांजेक्शन में आपका लास्ट ट्रांजेक्शन जो मैं क्लियर करना चाह रही हूँ, ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम वन बैंक टू अनोदर बैंक। जैसे मान लो हम, मेरे दो बैंक में अकाउंट है, बिजनेस के अकाउंट मेंटेन तो करती हूँ, दो अकाउंट में मेरा, दो बैंक में मेरा अकाउंट चल रहा है, एक SBI मान लो, एक BOB मान लो। तो कभी कभी क्या होता है, इस सिचुएशन बनती है कि एक अकाउंट से, एक बैंक अकाउंट से मैंने दूसरे वाले बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए। अब एक SBI ले लो, एक BOB ले लो, SBI वो भी बैंक है, BOB वो भी बैंक है, दोनों ही पर्सनल अकाउंट है, फिर कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहां जिस बैंक में पैसा जा रहा है, जिस बैंक अकाउंट में, वो तो रिसीवर हो गया, उसको तो हम कर देंगे डेबिट, और जिस बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है वो गिवर हो गया, तो हम उसको कर देंगे क्रेडिट। मान लो आपके SBI से हम पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं BOB में, SBI से BOB में, तो रिसीवर कौन हो गया आपका? BOB। तो रिसीवर को तो हम क्या कर देंगे? डेबिट। और कहां से ट्रांसफर हो रहे हैं? SBI से, SBI गिवर हो गया, तो SBI को हम कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि BOB और SBI दोनों बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट में रिसीवर को डेबिट करते हैं, गिवर को क्रेडिट करते हैं। यहाँ हम BOB में ट्रांसफर कर रहे हैं SBI से, तो BOB रिसीवर हो गया, SBI गिवर हो गया, इसलिए इसको डेबिट किया, इसको क्रेडिट किया, एंट्री क्या बन गई? BOB बैंक अकाउंट डेबिट होगा और SBI बैंक अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। बैंक अकाउंट डेबिट ब्रैकेट में BOB लिख देना, टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में SBI लिख देना। ठीक है, तो ये हमारा आज का बैंकिंग ट्रांजैक्शन वाला टॉपिक आपके बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो